हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। अभी तक अपन अपने चैनल पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। सीएसएस का कोर्स 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बनाइए, कोर्सेस इन वन वीडियो के नाम से बनाइए, एचटीएमएल कोर्स की अलग बनाइए, फुल स्टैक डेवलपर कोर्स की अलग बनाइए, मर्न स्टैक डेवलपर के लिए मैंने अलग बनाई है। अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर पूरा सीएसएस आएगा, इसके अंदर पूरा अलग अलग कोर्सेस की एक एक सिंगल वीडियो जो होती है ना, जिसके अंदर पूरा कोर्स एक ही वीडियो के अंदर कवर किया जाता है, तो वो वाली वीडियो यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे इस जो अभी प्लेलिस्ट अपन कवर कर रहे हैं वो वाली प्लेलिस्ट इसके अंदर चल रही है, फुल स्टैक डेवलपर कोर्स। इसके अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे HTML, CSS, JavaScript, React, JS, Node.js, Express, JS, MongoDB। और यहाँ पे HTML कोर्स है, इसके अंदर मैंने पूरा कोर्स कवर कर दिया है। और अगर अभी भी आपके अंदर कुछ कमी लग रही है आपको तो बोल सकते हैं, तो मैं इसके अंदर और वीडियो ऐड कर दूंगा। ये अपनी है मर्न स्टैक डेवलपमेंट प्लेलिस्ट, इसके अंदर मैंने 9 घंटे का पूरा नोड जेएस बताया है, 5 घंटे का पूरा रिएक्ट जेएस बताया है, उसके अलावा 2.5 घंटे का एक मर्न स्टैक ई कॉमर्स डैशबोर्ड भी बनवाया है, उसके अलावा कंप्लीट गिटहब बताया है, उसके अलावा मैंने मर्न स्टैक का करंट ऑपरेशन बताया है। तो आप एक बार चैनल को विजिट करके देखना, चेकआउट करके देखना, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो अभी अपन क्या करते हैं, अपन को आज पढ़ना है कलर के बारे में, CSS कलर के बारे में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको W3 स्कूल CSS कलर लिखेंगे आप, तो ऑटोमेटिक आपके लिए खुल के आ जाएगा। ये आपके लिए पूरी आपकी जो वेब डेवलपमेंट जर्नी होने वाली है उसके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और चलो तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम मैं दूंगा यहाँ पे color.html। और सब जल्दी से इसको बंद करके यहाँ पे अपन एक बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिख देते हैं, जैसे कि दिस इज कलर ट्यूटोरियल। और इसी जगह पे मैं एक और पैराग्राफ टैग लगा देता हूँ, दिस इज सागर भाई फ्रॉम सिंपली जेएस, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। और उसके बाद अपन स्टाइल टैग दे देते हैं, स्टाइल टैग। और यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर अपन को कलर प्रॉपर्टी के साथ खेलना है। तो कलर प्रॉपर्टी को खेलने से पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन किसी सेलेक्टर का यूज करेंगे। ये अपन कौन से सेलेक्टर का यूज कर रहे हैं, एलिमेंट सेलेक्टर का अपन यूज कर रहे हैं, जिसकी मदद से अपन ने क्या किया, H2 नाम के एलिमेंट को अपन ने एक्सेस कर लिया। तो अभी मैं इसको गोलाब करूँगा, तो अभी बाई डिफ़ॉल्ट इसका जो कलर आता है वो आता है ब्लैक कलर का। अभी अपन इसके ऊपर कोई भी कलर लगा के इसकी कलर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, कलर लिखना है, कलर एक प्रॉपर्टी है, वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है। ऊपर आपको ऑपरेशन आ चुके हैं, मतलब जो भी नाम है वो नाम आ चुके हैं। तो जब आप यहाँ पे नाम से देना चाहते हैं तो आप इस तरीके से, जैसे मैंने रेड लगा, तो इस तरीके से आप नाम के द्वारा भी इसको दे सकते हैं, तो रेड कलर का हो जाएगा। लेकिन कलर को देने के और भी कई तरीके होते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर होवर करूँगा तो आप यहाँ ऊपर देखो, यहाँ पे RGB का ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे नीचे कर दूँ तो यहाँ पे RGBA एक और जुड़ गया। यहाँ पे ध्यान से देखना, पहले अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँ पूरा ले जाके, तो आप यहाँ पे देखो जो RGB के फॉर्म में कलर आ रहा है, ध्यान से देखना। और जैसे ही मैं इसको अगर नीचे करता हूँ तो यहाँ पे RGBA के फॉर्म में कलर आ रहा है। तो जो A जुड़ रहा है वो क्यों जुड़ रहा है, उसका मतलब क्या है, अब देखो इसको समझने की कोशिश करो वो क्या हो रहा है। यहाँ पे R का मतलब होता है रेड, G का मतलब होता है ग्रीन, B का मतलब होता है ब्लू, A का मतलब होता है अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा अपन को बताता है कि आपका जो कंटेंट है उस कंटेंट की जो ऑपेसिटी है वो कितनी होनी चाहिए। जब भी किसी भी कंटेंट की ऑपेसिटी जीरो होती है तो उसका मतलब ये होता है कि आपको वो कंटेंट ब्राउजर पे दिखाना नहीं है, लेकिन उसकी जगह आपको लेनी है। जब भी कंटेंट बन होता है, पूरा बन होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि आपका कंटेंट पूरी प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर जब आपका वैल्यू जीरो भी नहीं है, बन भी नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका कंटेंट कहीं मिड में है। इसको मैं डिफरेंस के लिए आपको समझाता हूँ। अगर मैं वैल्यू यहाँ पे जीरो कर दूँ पूरी तरीके से, तो आप यहाँ पे देखना H2 का जो एलिमेंट था दिस इज कलर ट्यूटोरियल, वो यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ओवर करूँ और ओवर करने के बाद इसको अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले जाऊँ, तो आप आसानी से यहाँ पे देख पाएंगे कि अपना जो पहले दिस इज कलर ट्यूटोरियल था वो कितनी आसानी से अपन को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो RGB के फॉर्म में भी अपन ने समझ लिया और RGBA के फॉर्म में भी अपन ने समझ लिया। लेकिन केवल ऐसा ही नहीं है, केवल यही दो तरीके हैं, एक तरीका और है अपने पास कलर देने का। मैं क्या करता हूँ, मैं एक पैराग्राफ जो टैग है उसको लेता हूँ, यहाँ पर एक कलर प्रॉपर्टी लगाता हूँ, इसके अंदर अपन हैज लिखते हैं। और जैसे ही हैज लिखेंगे तो यहाँ पे हैज के नाम की प्रॉपर्टी अपन लगाने लगते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके से अपन प्रॉपर्टी को दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया FFF। अगर मैं 3 बार लिखता हूँ तब भी आप देखो जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट हो जाएगा और वो यहाँ पे चला गया है, क्योंकि बैकग्राउंड कलर उसका बाय डिफ़ॉल्ट वाइट है। तो मुझे FF की जगह मुझे यहाँ पे क्या देना होगा,
एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे FA दे देता हूँ, इस वाला कलर दे देता हूँ। और इसको अपन इसके भी दो, इसको भी अपन इस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं इस तरीके से जाऊँ, इसको इस तरीके से कर दें, तो अभी आप देखना क्या होगा। यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा कलर को भी चेंज करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अभी सही है, देख अभी अपना जो पैराग्राफ टैग है उसका भी अपन को दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी हैज को अप्लाई कर सकते हैं, तीन के फॉर्म में भी कर सकते हैं, और इस तरीके से जिस तरीके से भी आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। अब दो तरीके और होते हैं, HSL और HSLA, उसके अंदर भी आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। अब मैं अगर आपको यहाँ पे देखो, RGB अपन ने सबसे पहले कलर नेम तो अपन ने देख लिया था सबसे पहले, उसके बाद RGB देख लिया, HEX देख लिया, जो अपन ने अभी हैज की मदद से लगाया ना, उससे HEX बोलते हैं। RGBA भी अपन ने देख लिया। अब ये रह गया HSL और HSLA। ऐसा नहीं है कि ये दोनों बहुत ही आना कठिन है, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे दिखाता हूँ क्या होता है। HSL का मतलब होता है यू सेचुरेशन एंड लाइट के बारे में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ही जाना, ये बहुत ही अलग चीज़ है। मैं अगर आपको यहाँ पे लगा के दिखाऊँ इसको, RGB को अगर मैं यहाँ पे हटा दूँ, यहाँ पे HSL लिख देता हूँ, इसके बाद अगर यहाँ पे कोई वैल्यू देता हूँ जैसे मैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, वही मैं आपको दिखाने वाला था कि आपको जो पहली वैल्यू देनी है HSL के अंदर, जो पहली वैल्यू देनी है वो ह्यू को रिप्रेजेंट करती है, और वो केवल वैल्यू के रूप में वैल्यू रहती है। जो सेचुरेशन होता है वो सेचुरेशन हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में रहता है, और जो लाइटनेस रहती है वो भी लाइटनेस हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में रहती है। अब लाइटनेस और सेचुरेशन और यू क्या है, ये जैसे अपना RGB था ना, जैसे RGB का इफेक्ट होता है बिल्कुल उसी तरीके से इसका भी इफेक्ट होता है। मैं क्या करता हूँ, इतने इतने को कॉपी कर लेता हूँ समझाने के लिए आपको, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तभी आप यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे अपने। तो ये अपना अभी किस कलर का है, क्या नाम बोल सकते हैं, रेड कलर का है, ठीक है। इसको मैं 100% की जगह यहाँ पे थोड़ा सा, अरे बार बार VS कोड, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 10%, ठीक है। तो अगर मैं जैसे इसको 10% कर देता हूँ, तो इसका देखो आप कलर चेंज हो गया। तो जो आप उसके द्वारा कर रहे थे RGB के द्वारा, काम वही होता है, लेकिन सिर्फ इसको बोला जाता है कि अगर कुछ लोगों को ये समझ में अच्छे से आता है, क्योंकि जो लोग डिजाइनिंग करते हैं ना, उनको सेचुरेशन और यू और लाइटर इन सब शब्दों से वो थोड़े फैमिलियर रहते हैं, तो इसीलिए उनको डिजाइनिंग के माध्यम से ये सारी चीज़ें उनको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लगती हैं HSL। अब मैं इसकी वैल्यू को बढ़ा भी सकता हूँ, 98 कर सकता हूँ, और मैं 98 कर दूंगा तो आपको मालूम है कि थोड़ा सा और कलर चेंज हो जाएगा। इसको अपन अगर मैं 255 कर देता हूँ, तो अभी आप देखो थोड़ा सा कलर और चेंज हो गया। तो इस तरीके से अपन वैल्यू को, कलर को चेंज कर सकते हैं। अल्फ़ा अपना वही है, एक ही वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूँ, तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे अपना टेक्स्ट जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ओपेसिटी जब भी 0 होती है तो इसका मतलब वो अपना टेक्स्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर 0.5 कर दूँ यानी कि बिल्कुल हाफ कर दूँ, तो अपना टेक्स्ट बिल्कुल आधा आधा दिखाई देगा। और मैं अगर इसको बंद कर देता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे टेक्स्ट पूरी तरीके से विजिबल होगा। तो इस तरीके से अपन ओपेसिटी का यूज कर सकते हैं, HSL का यूज कर सकते हैं, RGB का यूज कर सकते हैं, HSA का यूज कर सकते हैं। तो जितने भी अपने कलर थे वो उन सब के बारे में मैंने बात कर ली है, RGB, HEX, HSL, RGB, RGBA और HSLA। अगर अभी भी कुछ अगर आपको मिसिंग लगता है, कलर में तो नहीं लगेगा, लेकिन CSS के अंदर क्या है ना कि बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, तो कुछ भी अगर मिसिंग लगता है तो आप कमेंट में या मेरे इंस्टाग्राम पे आकर आप मुझसे बोलिए, कोशिश से करूँगा कि हर एक चीज़ आपको CSS की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। अब फुल स्टैक डेवलपर की प्लेलिस्ट ये वाली कंटिन्यू चलेगी, इसमें अभी कुछ भी रुकने वाला नहीं है। और अगर कुछ भविष्य में अगर कुछ ऐसा हुआ कि आपको लगा कुछ अलग से कुछ चाहिए, तो उसके लिए मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बना रखी हैं। वो इसीलिए बनाई हैं जिससे आपको आगे चल के भी अगर कोई कंटेंट की ज़रूरत पड़ी, या फिर कुछ एक एडवांस चीज़ मुझे बताना हुआ, तो मैं इन अलग अलग प्लेलिस्ट के अंदर डाल सकता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।